गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम लोग यूकेजी का इंग्लिश का क्लास करने जा रहे हैं। यूकेजी के इंग्लिश की क्लास में आज हम लोग अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, इसका क्लास आज हम लोग करेंगे। ये चैप्टर आपका जो है पेज नंबर 52 पे है। पेज नंबर 52 पे आपका अपोजिट वर्ड दिया हुआ है। इस अपोजिट वर्ड यानी ये चैप्टर जो है 19 पेज नंबर 52 पे है, ठीक है। इसी की क्लास आज हम लोग करेंगे। अपोजिट को हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं और हमारे एग्जाम में अपोजिट वर्ड आएंगे, तो हम लोग सबसे पहले आज इस अपोजिट वर्ड को पढ़ते हैं कि अपोजिट का मतलब क्या होता है। इससे पहले जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कैपिटल स्मॉल लेटर, फिर राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, उसके बाद साउंड्स ए ई आई ओ यू, तो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो स्टार्ट हुआ था बट कंप्लीट नहीं हुआ था। और उसके बाद जो भी चीज़ें हमने, जैसे यूज ऑफ ए और एन, ये सारी चीज़ें पढ़नी थी, और इसी के साथ साथ हम लोगों को अपोजिट वर्ड्स पढ़ना था। तो यूज ऑफ ए और एन को तो मैंने एक आधा बार बता भी दिया है, बट आपको जो है हमने आपको अपोजिट वर्ड नहीं बताया है। तो ये अपोजिट वर्ड जो है आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे, और इसके बाद से हम लोग जो है अपने साउंड्स को जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ओ और यू, और फिर हम लोग ए और एन कैसे लगता है, किसके सामने लगता है, ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो अपोजिट वर्ड सबसे पहले, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। जैसे आप इन पिक्चरों को ध्यान से देखिए, छोटा, छोटा का उल्टा बड़ा, बड़ा छोटा मतलब हार्ड, ये भारी है और ये हल्का है। कॉटन है तो हल्का ही होगा, ये स्टोन है यानी पत्थर है तो ये हैवी होगा, ठीक है। एलिफेंट बिग, और रैट जो है यानी माउस स्मॉल, ये मोटा है, मोटा का उल्टा क्या हो गया, पतला। ये बड़ा, तेज चलता है, फास्ट स्लो, हॉट गरम, चाय गरम होती है, आइस ठंडी होती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए हॉट कोल्ड, यहाँ पे बिग स्मॉल, तो ये इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं अपोजिट जिसको हम लोग को पढ़ना है। पहले तो हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे हम बोलते हैं काला है, काला का अपोजिट क्या हो गया, गोरा। ब्लैक वाइट, गुड मतलब होता है अच्छा, बैड मतलब होता है बुरा। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, बैड मतलब क्या होता है, बुरा। डे का मतलब क्या होता है और नाइट का मतलब क्या होता है, दिन और रात। डे का मतलब क्या होता है, दिन, नाइट का मतलब क्या होता है, रात। जैसे बॉय, अगर लड़का का उल्टा करे तो लड़की हो जाएगी, आदमी का उल्टा औरत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को अपोजिट यानी उल्टा सीखना है। सबसे पहले हम लोग अपने ओ डबल पी ओ एस आई टी ई अपोजिट डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स यानी उल्टे वर्ड्स पढ़ने हैं। रीड द फॉलोइंग अपोजिट वर्ड्स, एम आर मिस्टर, आर ए जे ए टी रजर, आई एस एस टी ए डबल एल टॉल, मिस्टर रजत इज टॉल। मिस्टर रजत जो है वो क्या है, लंबे हैं, टॉल यानी लंबे। पी आर आई वाई ए प्रिया, आई एस इज एस एच ओ आर टी शॉर्ट, प्रिया इज शॉर्ट। प्रिया कैसी है, छोटी है। मिस्टर रजत इज टॉल, प्रिया इज शॉर्ट। मिस्टर रजत लंबे हैं, प्रिया छोटी है। नेक्स्ट क्या है, टी एच ई द एस टी ओ एन ए स्टोन, आई एस इज H E A V Y heavy, the stone is heavy. T H E the C O double T O N cotton, I S is L I G H T light, the stone is heavy.
द कॉटन इज लाइट। स्टोन यानी ये पत्थर जो है ये क्या है, हैवी यानी भारी है। कॉटन जो है ये कैसा है, हल्का है, लाइट है। टी एच ई द ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट आई एस इज बी आई जी बिग। द एलिफेंट इज बिग, द एलिफेंट इज बिग। बिग यानी बड़ा, एलिफेंट कैसा है, बड़ा है। टी एच ई द एम ओ यू एस सी माउस आई एस इज एस एम ए डबल एल स्मॉल। द माउस इज स्मॉल, एलिफेंट इज बिग, द माउस इज स्मॉल। हाथी कैसा है, बड़ा है, और माउस यानी ये रैट चूहा कैसा है, ये छोटा है। आर ए वी आई रवि आई एस इज एफ ए टी फैट रवि इज फैट रवि इज फैट। एस ओ एन आई ए सोनिया आई एस इज टी एच आई एन थिन सोनिया इज थिन। रवि इज फैट, रवि कैसा है, मोटा है, लेकिन सोनिया कैसी है, पतली है। द टी ई ए टी आई एस इज एच ओ टी हॉट द टी इज हॉट। द आई सी ई आई एस इज सी ओ एल डी कोल्ड द आइस इज कोल्ड। चाय गर्म है लेकिन आइसक्रीम कैसी है, ठंडी है। टी एच ई द टी आर ए आई एन ट्रेन टी आर ए आई एन ट्रेन आई एस इज एफ ए एस टी फास्ट द ट्रेन इज फास्ट। द सी ए आर कार आई एस इज एस एल ओ डब्ल्यू स्लो द कार इज स्लो। ट्रेन बहुत तेज दौड़ती है, चलती है, फास्ट तेज है, लेकिन कार जो है वो क्या है, ट्रेन से धीमी गति से चलती है, स्लो है। ये आपके चैप्टर में इतना अपोजिट था जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके अलावा भी कुछ वर्ड हैं जिनको हमको आपको बताना है, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कॉपी में लिख के, ठीक है, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपकी बुक में जितनी भी चीज़ें दी थी मैंने उसको पढ़ा दी। उसके अलावा जैसे इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, जो ये आपका एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हॉट कोल्ड बिग स्मॉल फिर वाइट ब्लैक फिर यहाँ पे दिया हुआ है टी एच आई एन थिन फैट यानी मोटा पतला हॉट कोल्ड स्मॉल बिग फास्ट शॉर्ट लॉन्ग मतलब लंबा और छोटा फैट थिन मोटा पतला ब्लैक वाइट काला और गोरा। यहाँ पे दिया है शॉर्ट टॉल, शॉर्ट यानी छोटा, टॉल यानी लंबा। फिर आपका दिया है यहाँ पे हैवी लाइट, जो आपके बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। ये तो हो गया आपके बुक का। उसके अलावा जैसे हैप्पी शैड गुड बैड फिर आपका आ गया बॉय गर्ल्स मैन वूमेन डॉग बीच। तो ये सारे क्या है, अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड्स को आप किस तरीके से पढ़ेंगे, यानी उल्टा, जो हम बोलते हैं, हमसे कोई कुछ पूछता है ठीक है, हम उसका उल्टा जवाब देंगे, उसको बोला जाता है अपोजिट। तो अपोजिट को हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे शॉर्ट टॉल या टॉल शॉर्ट, बड़ा का छोटा, हैवी लाइट भारी का हल्का, बिग स्मॉल, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, फैट मोटा थिन पतला, हॉट चाय गर्म है, हॉट हॉट का क्या होगा, कोल्ड सी ओ एल डी कोल्ड यानी ठंडा, फास्ट तेज स्लो धीरे, ठीक है। गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा, हैप्पी हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स दुखी, डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात, ब्लैक व्हाइट,
ब्लैक मीन्स काला, व्हाइट मीन्स गोरा। डॉग डीओजी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता और बिच मीन्स कुतिया, फीमेल है उसकी। बॉय गर्ल्स, ये तो मैंने बता दिया आपको सब। तो इसको जो है हम लोग अब रिटेन वर्क में करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। अब हमारी जो सी डब्ल्यू की कॉपी है उसमें हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। सी डब्ल्यू की कॉपी को आपको खोलना है और उसमें चैप्टर नेम डालनी है। चैप्टर नेम जो है वो डालेंगे और उसके बाद हम उसमें करेंगे, क्या करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारी सी डब्ल्यू की कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे हमने सी डब्ल्यू लिखा। डेट हमारा 2307, चैप्टर हमारा सी एच, चैप्टर क्या है 1919, ठीक है। चैप्टर 19 में क्या है, अपोजिट वर्ड्स, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, अपोजिट वर्ड्स, डब्ल्यू ओ आर डी एस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, हम कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। चैप्टर 19 अपोजिट वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारे लिखने का क्या तरीका होगा ये देखिए। सी डब्ल्यू की कॉपी में चैप्टर 19 अपोजिट वर्ड लिखने के बाद एक साइड हम वर्ड लिखेंगे डब्ल्यू ओ आर डी एस, और दूसरे साइड में, एक साइड में वर्ड्स, दूसरे साइड में अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, एक साइड में वर्ड, दूसरे साइड में अपोजिट। अब वर्ड्स हम इसके नीचे लिखेंगे, वर्ड्स क्या क्या है, जैसे हमने लिख दिया एच ए डबल पी वाई हैप्पी, गुड बैड, या फिर ऐसे आप लिख दीजिए जैसे आपकी बुक में अभी आपने देखा, जैसे टॉल टी ए डबल एल टॉल, फिर आपने लिखा बिग बी आई जी बिग, फिर आपका है हॉट एच ओ टी हॉट, फिर आपका आएगा फैट एफ ए टी फैट, फिर आपका हो गया हैवी एच ई ए वी वाई हैवी। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ड्स है, वर्ड्स के नीचे टी ए डबल एल टॉल, बी आई जी बिग, एच ओ टी हॉट, एफ ए टी फैट, एच ई ए वी वाई हैवी, और इसी के साथ साथ हम लोग वाइट या ब्लैक वाइट कर देते हैं, बी एल ए सी के ब्लैक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हॉट कोल्ड, एच ओ टी हॉट, ये हो गया आपका। फिर आपका हो गया शॉर्ट लॉन्ग, एस एच ओ आर टी शॉर्ट। इतने वर्ड्स आपके सी डब्ल्यू की कॉपी में, सॉरी हॉट दो जगह हो गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल मिला के ना आपके जो है 8 वर्ड ही हैं, क्योंकि हॉट दो बार हो गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप वन टाइम्स लिखिएगा, हमने यहाँ टू टाइम्स कर दिया। तो यहाँ पे 8 वर्ड आपका लिखा हुआ है। अब इस 8 वर्ड का, जो आपका ये 8 वर्ड है, इस 8 वर्ड्स का अपोजिट लिखना है। 8 वर्ड्स का अपोजिट जो आपको लिखना है वो क्या लिखेंगे आप, टॉल का क्या होगा शॉर्ट, टॉल मीन्स क्या होता है लंबा, तो टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स क्या होता है छोटा, तो इसको आप पेंसिल से कीजिएगा शॉर्ट, एस एच ओ आर टी शॉर्ट। बिग का क्या होगा स्मॉल, बिग का क्या होगा स्मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल। हॉट एच ओ टी हॉट, हॉट मीन्स क्या होता है गर्म, सी ओ एल डी कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, तो हॉट का आप क्या लिखेंगे, हॉट का आप लिखेंगे
यहाँ पे सी ओ एल डी कोल्ड, फैट, फैट मीन्स क्या होता है मोटा, फैट मीन्स क्या होता है मोटा। यहाँ पे देखिए हॉट का क्या हो गया कोल्ड, एफ ए टी फैट, फैट मीन्स मोटा, मोटा का क्या लिखेंगे टी एच आई एन थिन, टी एच आई एन थिन। हैवी एच ए वी वाई हैवी, हैवी मीन्स भारी, एल आई जी एच टी लाइट, एल आई जी एच टी लाइट। ब्लैक बी एल ए सी के ब्लैक, ब्लैक का क्या होगा वाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट, ब्लैक का क्या हो गया वाइट। इसके बाद आप क्या करेंगे हॉट हमने बताया आपको कि हमने हॉट दो जगह लिख दिया, आप वन टाइम्स लिखिएगा ठीक है ना। तो इसको भी हम भर दे रहे हैं सी ओ एल डी लिख के। और शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा, शॉर्ट मीन्स छोटा, लॉन्ग मीन्स लंबा, एल ओ एन जी लॉन्ग, क्या होगा एल ओ एन जी लॉन्ग। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है टॉल के साथ भी शॉर्ट है, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, और फिर शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट मीन्स छोटा, लॉन्ग मीन्स लंबा, ठीक है। लॉन्ग मीन्स भी लंबा है और टॉल मीन्स भी लंबा है। तो लॉन्ग जो है लेंथ के लिए होता है, ना कि किसी व्यक्ति की साइज़ के लिए होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आज हमने आपको सी डब्ल्यू के लिए ये बताया है, जितना इतना कीजिए और इसको लर्न भी कीजिए। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और अपोजिट वर्ड्स को लेकर के हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ।